हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप टी शर्ट के ऊपर बीबी की वाइंस के डायलॉग को ऐड कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो सबसे पहले एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी फ़ोटो के ऊपर आपको डायलॉग्स ऐड करना है। फिर उसको पिक्सआर्ट के अंदर ओपन कर लीजिए। फ़ोटो पिक्सआर्ट के अंदर ओपन हो चुकी है। बताना चाहूँगा, पिक्सआर्ट फोटो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, आप प्ले स्टोर से जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपकी टी शर्ट के ऊपर पहले से कोई प्रिंट ऐड है तो आप सबसे पहले यहाँ पर टूल्स पर जाइए, फिर यहाँ पर क्लोन पर जाके यहाँ पर ब्रश, फिर यहाँ से उसकी जो ओपेसिटी है थोड़ी कम कर दीजिए और फिर फोटो को ऐसे जूम कर लीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक करके उसको हटा दीजिए ताकि दूसरा हम लोग आसानी से उसमें ऐड कर सकें। तो ये यहाँ से हो चुका है, हो जाने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। बताना चाहूँगा, अब यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाइए, इफेक्ट्स पे जाके यहाँ पे HDRS को इफेक्ट दे दीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, सिर्फ टी शर्ट के ऊपर HDR इफेक्ट दे दीजिए। फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद बताना चाहूँगा, यहाँ पे ऐड फोटो पे जाइए और ऐसे ही आप गूगल पे सर्च कीजिए बेबी की वाइंस लोगो, तो आपके सामने ऐसी फ़ोटो आएगी, आप डाउनलोड कर लीजिए उसे। और डाउनलोड करके फिर यहाँ पे ऐड फोटो पे जाके फ़ोटो को ऐड कर लीजिए, फिर यहाँ पे कटआउट पे जाइए और जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो लोगो है, उसके ऊपर ऐसे ब्रश को घुमाइए, फिर यहाँ पे ऐसे ओके कर दीजिए, जिसे एक स्टिकर के रूप में क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से चेक कर लीजिए, ये परफेक्ट है। फिर यहाँ पे सेव कर लीजिए और अब यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाइए, इफेक्ट्स पे जाके यहाँ पे कलर्स पे जाके ब्लैक एंड वाइट, फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद देख सकते हो कि ये यहाँ से टी शर्ट के कलर के जैसे सेम हो चुका है। अभी यहाँ पे टी शर्ट के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लीजिए और यहाँ से उसकी जो ओपेसिटी है वो कम कर दीजिए। और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद बताना था, मैं वापस से इफेक्ट्स में जाइए, फिर उसको HDR इफेक्ट दे दीजिए और यहाँ से थोड़ा इफेक्ट निकाल दीजिए। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से फोटो के अकॉर्डिंग बिल्कुल टी शर्ट के ऊपर ऐड हो चुकी है ये बीबी की वंश का लोगो। तो ऐसे आप अपना भी कुछ भी आपको अगर ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हो। अभी आपको डायलॉग ऐड करना बताऊँगा कि आप कैसे कर सकते हो। तो आपको जैसे ही नॉर्मल टी शर्ट लेना है और फिर यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना होगा, फोटो का कलर ऐसे सेट कर लीजिए। मैं आपको जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छी लगे आप दे सकते हो, मैं ये वाला ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे कलर्स पे जाके अब ब्लैक कलर दे देता हूँ और फिर यहाँ से उसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। फिर यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाके उसको HDR इफेक्ट दे दीजिए ताकि फिर यहाँ से इफेक्ट को निकाल दीजिए, जिससे ऐसा लगेगा
इसकी फोटो टी शर्ट एक्चुअल में ही ओरिजिनल टी शर्ट है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से सेट हो चुका है। तो ऐसे ही आप अपनी टी शर्ट के ऊपर डायलॉग्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी लोगो ऐड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। उससे होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगी। सो थैंक यू।